और बड़ी खबर इस वक्त की, लखीमपुर हिंसा के सातवें दिन सलाखों में आरोपी आशीष मिश्रा मजिस्ट्रेट ने सोमवार तक न्यायिक हिरासत में भेजा है। 11 अक्टूबर को पुलिस कस्टडी पर सुनवाई और 12 घंटे की पूछताछ के बाद गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष की गिरफ्तारी हुई। तो बड़ी खबर, बड़ा अपडेट इस पूरे मामले में, लखीमपुर मामले में 12 घंटे की पूछताछ के बाद आशीष की गिरफ्तारी हो गई और ये सातवां दिन है जब सलाखों के पीछे आखिरकार आशीष पहुंचा है। पूछताछ लंबी हुई, 12 घंटे तक ये पूछताछ हुई और अब इसके बाद पुलिस अपनी कस्टडी में लेगी। आगे की पूछताछ के लिए 11 अक्टूबर को पुलिस की कस्टडी अपील पर सुनवाई होगी। लखीमपुर हिंसा के मुख्य आरोपी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा जब क्राइम ब्रांच के सामने पेश हुए तो उन्होंने हिंसा मामले में अपनी बेगुनाही के कई सबूत पेश किए, लेकिन ये सबूत उस वक्त नाकाफी साबित हुए जब आशीष मिश्रा को करीब रात 11 बजे SIT ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के तुरंत बाद क्राइम ब्रांच ने रात करीब 12:30 बजे आशीष को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया। बताया जा रहा है कि मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए जाने पर SIT ने आशीष मिश्रा की 3 दिन की पुलिस रिमांड मांगी, जिसे मजिस्ट्रेट ने नकारते हुए आशीष मिश्रा को जेल भेजने का आदेश दिया। अब आशीष मिश्रा के रिमांड पर सोमवार को सुनवाई होगी। मजिस्ट्रेट के इस फैसले के बाद केंद्रीय मंत्री के बेटे आशीष को लखीमपुर जेल भेजा गया है और इस गिरफ्तारी के बाद से ये साफ हो गया है कि कानून की नजर में ना कोई खास होता है और ना कोई आम। आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी इसी ओर इशारा कर रही है। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में गिरफ्तार हुए आशीष मिश्रा का अगला ठिकाना कहाँ है, आइए देखते हैं TV9 भारतवर्ष संवाददाता जितेंद्र भाटे की ये खास रिपोर्ट। जिला जेल लखीमपुर खीरी, ये अब पता है आशीष मिश्र का अस्थायी तौर पर सोमवार सुबह तक, जब तक कि उनकी जो रिमांड है आपको दिखाएं तो जिला कारगिल लखीमपुर खीरी यहाँ पर उनको रखा गया है। हालांकि अमूमन जो है शाम ढले कैदियों को नहीं लिया जाता है, लेकिन इस मामले में SIT की टीम ने जज से कहा और बताया उन्हें कि उनको अब अगर रिमांड में नहीं दिया जा रहा है तो उनको न्यायिक हिरासत में रखा जाए, जिसके बाद तमाम जो अधिकारी हैं SIT के वो खुद अपनी देख रेख में यहाँ तक पहुँचे और इस जिला कारागार के अंदर जो है आशीष मिश्र को छोड़कर आए। आखिरकार 12 घंटे की पूछताछ के बाद गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी हो गई। यह माना जा रहा है किसान हिंसा पर पूछे गए सवालों के जवाब से SIT की टीम संतुष्ट नहीं थी। 12 घंटे की मैराथन पूछताछ, एक के बाद एक दागे गए 40 सवाल, जिसके जवाब देने में आरोपी आशीष मिश्रा के छूट गए पसीने। 3 अक्टूबर को हुए लखीमपुर हिंसा मामले में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को आखिरकार क्राइम ब्रांच की टीम ने गिरफ्तार ही कर लिया। सूत्रों के मुताबिक 12 घंटे तक चली इस पूछताछ में SIT की तरफ से 40 सवाल पूछे गए। उनसे पूछा गया कि हिंसा वाले दिन 2:36 से 3:30 तक आप कहां थे, किसानों को चलने वाले दिन ड्राइवर ने किस कलर के कपड़े पहने थे, लखीमपुर हिंसा की जानकारी आपको किसने और कहां दी। SIT की टीम ने आशीष मिश्रा से ऐसे कई सवाल पूछे जिसके संतोषजनक जवाब आशीष मिश्रा ने नहीं दिया। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।